हम तो काफी छोटे छोटे थे जब इस गाँव में मतलब राम जिला होती थी तो आते रहते थे। हमारे दोस्त भी इस गाँव के काफी अच्छे से दोस्त हमारे इस गाँव के। और जब मैं यहाँ बटवाड़ी में पढ़ता था टेंथ में तब भी आते थे हम इस गाँव में। तो आज एक दोस्त है मेरे यूट्यूबर भाई प्रवीण नौटियाल, तो इन्होंने बोला कि भाई जी बल आज हम पंचाड़ा मैं। दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका पहाड़ी वाले लोग यूके वाले चैनल में। तो दोस्तों आज जो है मैं शाम को ब्लॉग बना रहा हूँ 5:30 बजे, दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज जो है आज मैं लेके जा रहा हूँ आपको पुनः एक बार रामलीला में राम जी की लीला के दर्शन कराने। तो चलो एक बार जो है यहाँ का व्यू दिखाते पहले आपको। ये देखिए दोस्तों ये है शाम का व्यू, धूप भी अभी गई 4:30 बजे करीब, और ये देख सकते हो ये 5:30 बजे का व्यू है अभी का। ये सामने पे गांव और ये है अभी शाम का व्यू मेरे गांव साइड का, ये देखिए। तो दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको श्री राम जी के लीला के दर्शन कराने, तो चलो चलते हैं। भर भर प्याला जाम
और हम तो काफी छोटे छोटे थे जब इस गाँव में रामजिला होते थे तो आते रहते थे। हमारे दोस्त भी इस गाँव के काफी अच्छे से दोस्त हमारे इस गाँव के। और जब मैं यहाँ बटवाड़ी में पढ़ता था टेंथ में तब भी आते थे हम इस गाँव में। तो आज एक दोस्त है मेरे यूट्यूबर भाई प्रवीण नौटियाल, तो इन्होंने बोला कि भाई जी बल आज हम पंचाण पंचाण लाख हैं, तो मैं भी गरीब हूँ वहाँ से। मैं मतलब मेरी पढ़ाई चल रही है तो 6 महीने से गरीब हूँ। तो प्रवीण भाई ने बोला कि बल पंचाण गाँव चलना है, तो भगवान चंद्रनाथ की डोर मेरे पे भी लग गई। और मैं मतलब चंद्रनाथ को जैसा अपने नाम जब मानता हूँ वैसे चंद्रनाथ देखता हूँ मानता हूँ बचपन से। तो प्रवीण भाई के साथ मैं भी आगे मैं ज्यादा न कहते हुए पहले तो समिति का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने की मुझको यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दिया और एक छोटा सा गाना गाने का मौका दिया। छोटी या बड़ी मतलब गलती सलती हो अपना बच्चा भाई और दोस्त अनुज समझ के माफ करना। कंठ में सरस्वती मस्तक प्रलय से उन्हें कोई नहीं बचा सकता।
चलता हूँ जिस जमीन पर भूचाल आ जाता है, जमीन तो जमीन रही आसमां भी कांप जाता है। अच्छा तो तू लक्ष्मण है, तेरे भाई राम ने डर कर तुझे यहाँ भेज दिया, वो खुद नहीं आया क्या? हाँ हाँ वैद्यनाथ, आज युद्ध में पता चल जाएगा किसकी बाजुओं में कितना दम है। बुझाओ के पर का भी आज पता चल जाएगा, बुझाओ के पल का भी आज पता चल जाएगा। इंद्रजीत से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। दूध के दांत तेरे टूटे नहीं, दूध के दांत तेरे टूटे नहीं, दिल में तेरे जज्बात नहीं, दिल में तेरे जज्बात नहीं, मुझसे क्या युद्ध करेगा बिगड़ा, इतनी तेरी औकात नहीं। करने को जब निकलेगा, रण करने को जब निकलेगा, रावण सुत दीवाना मैं, रण करने को जब निकलेगा, रावण सुत दीवाना मैं, रण करने मचेगा तारा धसेगी
नाक नहीं, ए तपस्वी चोगड़े, ये
तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। हाँ हाँ मेघनाथ, आज युद्ध होकर रहेगा, पता चल जाएगा किसकी भुजाओं में कितना बल है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अभी घर और थकान जो है काफ़ी लग चुकी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपको अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड।